जय श्री राम, जय भवानी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पहले तो मेरा मन नहीं था लोग आने का, तो मैंने ऐसे शूट कर लिया। एकदम आखिर कहेंगे कि जो कैमरे मैंने पकड़ा था वो फोन लेंस के मोड में नहीं था, जिस वजह से जो ये वीडियो बीच में चलेगी थोड़ी ऐसी। तो ये दोलोरा का मंदिर है अपने बिलासपुर में, हमने दर्शन करे। तो ये आपको पूरा मंदिर में घुमाते जाऊँगा कैसा है अंदर से। एक मंदिर यहाँ भी है माता कुलजा का, जिसपे लिखा है माता कुलजा देवी, माता रानी की पिंडली अंदर। ये भी अच्छे से दिखेगी, ये देखो बहुत पुरानी लग रही है, बहुत पुरानी हो गई है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा कारीगरी बड़ी अच्छी करी गई है माता जी की इसके ऊपर, पिंडली के ऊपर। तो आगे चलते हैं। तो ये मंदिर पीछे में सारा ही, आज रश कम था, ज़्यादा दौड़ नहीं थी यहाँ पर। तो ये मंदिर के बैक साइड में है, ये रही हमारी रानी सुंदरा यहाँ खड़ी हुई पार्किंग में। ये सामने रानी सुंदरा, और आज इतना रश नहीं था मंदिर में, हमने अच्छे से माथा देखा। तो ये मंदिर का अंदर है सारा ही, पुराना मंदिर का ये। तो आप देख रहे हैं एक मंदिर यहाँ पे आगे चल के भी है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ ही माथा टेक रहे हैं। पहले मैं सच में वीडियो बनाऊँ, पहले मैं सबसे लोग माथा टेकने देते हैं। तो मैं कैमरा मॉट कर रहा हूँ, मंदिर करता रहा, ये मंदिर ऐसे अंदर से। यहाँ पे एक ना बहुत पुराना रोटे का पेड़ है, छोटा बड़े से बढ़कर हिंदी में। यहाँ हमारे घर वाले खड़े हैं, देख रहे थे इधर दिखा रहा था मंदिर, क्योंकि दूसरे मंदिर माथा टेक रहे थे कि मैं आपको दिखाना था। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा कम था, इतना रश नहीं देखने को मिला। तो ये दूसरा मंदिर ये रहा, अभी माथा देख रहे थे मैं पीछे मिल गया था। यहाँ ये धोलना का मेन मंदिर है, यहाँ पर माथा देखने आते हैं। तो देव जी मेरी माता जी, मैंने अभी तक भी माथा नहीं देखा था, मैं कैमरा यूँ ही दूर घुमा रहा था। ये नीचे जो टहले पड़ी हुई है बंदर लगवाई हुई है 1988 का भी, मतलब 1988 की बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पर टहल लगाई है, पीछे लगी हुई है बिना लिखने के। ये देखिए, ये भी बहुत पुरानी पिंडी है। करो दर्शन जी, मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगा, मन बहुत पसंद हो गया। चलो फिर तो आगे चलते हैं। तो यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो यहाँ पे है जो लंगर बनाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में, तो यहाँ पे देखो एक बहुत लंबी पट्टी है, उसके देखिए डब्बे पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ पंखे और पंखा भी पंखा ये भी डब्बे पड़ी हुई है पहाड़ का। ये पानी पीने के लिए शुद्ध जल प्योर वाटर, यहाँ से जो है एग्जिट है मंदिर की, राइट लेफ्ट साइड से जो एंट्रेंस है, लेफ्ट से एग्जिट, ये एग्जिट है, यहाँ से आते हैं यहाँ से जाते हैं। तो इधर सुंदर रहता है मंदिर में। जो मैंने भी दिखाया यहाँ से आने का वहाँ से जाने का था, ये हमारी गाड़ी रही। तो यहीं से आपको दिखाएंगे सतलुज नदी, डैम, दरिया, डैम भी बोलते हैं, दरिया ही बोलते हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये सारी पार्किंग है गाड़ियों की, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी, यहाँ से आने के लिए जाने के लिए रास्ता है। सारी पार्किंग है मंदिर की, और यहाँ से अंदर जाएंगे। ये पार्क है मंदिर का अंदर, ये मंदिर का पार्क है सारा अंदर। और यहाँ पर भाई साहब सामने झूले पर बैठ के फोटो खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। तो ये सारा डैम मेरे दिमाग से निकल गई बात की, मैं लैंडस्केप मोड में फ़ोन को पकड़ूँ और वीडियो बनाऊँ, सारी वीडियो मैंने ऐसे ही बना दी। तो ये बोर्ड जा रहा है सामने, यहाँ जैसे थोड़ा लेफ्ट में एक बोर्ड जा रहा है यहाँ पे, ये देखो बोर्ड जा रहा है, बहुत दूर था ये बोर्ड।
पहले जो मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर था वो डैम में ही था, बाद में डैम यहाँ पे आ गया, पानी आ गया, भाखड़ा बांध बना और सारा शहर था ऊपर शिफ्ट कर दिया था, जो इसे आगे बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। नहीं, सारा शहर नीचे था। लक्ष्मी नारायण के अभी आपको दर्शन करेंगे मंदिर के, लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे आगे है, वहाँ पर मूर्ति रखी हुई सारी डैम से नीचे से ला के ऊपर लाई गई है। जब यहाँ पर पानी आ गया उस टाइम यहाँ पे एक लेडीज मजे ले रही थी, पूरे झूले के पिंक झूले थी पहनने के लिए, यहाँ पे अच्छी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। चलते हैं बाहर। तो अभी आज का मतलब लक्ष्मी नारायण मंदिर ये रही हमारी रानी सुंदरा। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जी का दरवाजा है। तो अभी अंदर जाएंगे हम, लक्ष्मी नारायण मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा भंडारा भी लगता है यहाँ पे। तो मंदिर के मंदिर आ चुके हैं। ये मंदिर का अंदर इतना अच्छा मतलब भव्य इतना सुंदर है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर जी में बड़ी अच्छी कारीगरी करी है, बहुत सुंदर मंदिर है ये, करो दर्शन जी। ये है लक्ष्मी नारायण का अंदर मंदिर, हम दर्शन कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी के। ये देखिए ये भी शायद डैम से नीचे से ला के यहाँ पर रखी हुई हमने मूर्ति, ये वाली भी जो पिंडी सामने पड़ी है। अंदर से पूरा मंदिर सजाया हुआ है। यहाँ बैठे हैं हमारे भोले बाबा, नहीं सॉरी शेर वाली माता जी यहाँ पे हैं, भोले बाबा दूसरी तरफ से जो आप पहले दिखाए मैंने। माता जी उनका अंदर यहाँ लोग लगा हुआ है अंदर एक बार भी मंदिर भगवान पात्र यहाँ पे है घासी माता। इस ऐसा ना घासी माता का ऐसा है जिसकी जवान मतलब थोड़ी नहीं हो ना मतलब बोलने के लिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं माथा टेकने के लिए। घासी माता का मंदिर है ये, यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं, जिनमें जिनको गलाने में प्रॉब्लम होती है, ठाक वगैरह पड़ती है या जवान साफ नहीं है, उन वो यहाँ पे आके जो उन्हें यहाँ पे आए मन्नत मांगे और उनकी जवान में जूसदार होता है, अच्छा लगता है। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं जिनको मतलब उम्र हो जाती है बोलने शुरू नहीं करते, तो वो भी यहाँ पे आते हैं। ये जो बच्चा आप वीडियो में देख रहे हो, तो उनके घर वाले इनसे बच्चे से बुला रहे थे कि बेटा माता जी से माता जी से मांग रहे थे कि बच्चे को जल्दी से बोलना आ जाए। ये जो बच्चा है घासी माता, घासपुर मंदिर है, घासी माता लिखा हुआ है वहाँ पे। श्री गणेश जी करो जी दर्शन। तो हम बाहर आ चुके हैं माता टेकने के बाद, तो हम दूर से जो मंदिर को कवर करेंगे। यही मंदिर का मेन एंट्रेंस है जो अभी राइट साइड में था। तो ये देखो दूर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। ये सारा जो मैदान है मंदिर के अंदर ही है, इतनी खुली जगह है। ये पीपल का पेड़ है मेरे ख्याल से, यहाँ लड़की पढ़ने बैठी हुई है। मेरे पीछे भी कुछ पिंडियाँ पड़ी हुई थी, ये रोज करो दर्शन के भी। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर, तो आप देख रहे हैं। ये है लक्ष्मी मंदिर, यहाँ पे भी किसी देव देवता का वास मेरे ख्याल से। यहाँ पिंडी रखी हुई है, बिस्तर भी रखे गए हैं। ये एंट्रेंस है मेन ये मंदिर। ये देखिए कितनी अच्छी कारागिरी करी है नंदी बैल, और शायद कृष्ण भगवान जी बनाए हुए हैं।